यकीन सी टाइगर कि तू खाली हाथ कभी नहीं आएगा। मैं तेरे इनाम दी रकम मंगवा के रखी है टाइगर। एना ते मन कानून तेरे ते किन्ना मान कर रहा है। इदे बावजूद कानून अपनी तारीख तेरा नाम लिखना कदे नहीं भूल सकता। जिन्हें मफरूरान तू इतने लेके आया है ये कानून ले असाफ बन चुके सन। फल मफरूरान मारन का इनाम मेरी आमद का ऐलान है या किसी खर दिमाग ने मरण लिए सिर चुकया है। नहीं टाइगर, शायद मेरी जेल च कुछ नवे क्या ने हूं तू जा सकना। थैंक यू सर। सर ताड़ी जेल दो कैदी नहीं दो आफ्तां आ रही है। ताड़ा रिकॉर्ड है कि तुसी कदी जेल चो किसी कैदी नू नसन नहीं दिता। उन्हां दा रिकॉर्ड है कि वो ज्यादा देर किसी जेल च नहीं रहिंदे।
ठीक कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा सर। यह खतरनाक ते खौफनाक कैदी जिस जेल च आ जान जेलर नू अपना मंजा जेल च दौड़ना पै जाता है। सोचो सर, जिन्हां नू मच जेल बर्दाश्त नहीं कर सकी असी उन्होंने किनिया कु बेड़ियां ला के डक सकांगे? ना दस सुना तुम्हां दा समंदर खान ते कालिया। कल याद रखना जेलर साहब, बीमा बुढ़े ते कमजोर दिल आले कैदी सारे तू दूर रखना। ओ यू शराब इन्हां दे संगल बहुत सख्त कर दियो। पोती पोती नु भी बेड़ी लग गई, फिर भी असा नस जाना है कालिया, नस जाना है। फिर बेड़ियां तोड़ दे समंदर खान, मैनू जेल पुजाने वाला कबाचा कमरिश भी नहीं भुलेगा। इंतकाम दी अग्नू ऐसे तरह फूका मारदा रहो कालिया, समझ ले कबाचा अपने कार च नहीं कबर दे सराने बैठा है। हां जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं लगया, पता नहीं कदों साथ छड़ जाए। सोचना वा मरण तो पहला अपने बच्चों दी खुशियां वेख लवा। तुहानू साडे ते तरस नहीं आंदा, हर वेले मरण दा ही सोचदे रहंदे हो। दादिया मेरे कीते हुए जुल्म हर वेले मेरी अखां दे सामने नचदे ने ते मेरे जमीर दा दम घुटदा है। तौबा कबूल करन दा वादा ते रब ने आप कीता है सरताज, छे तुहाडी तौबा कबूल ना हुंदी ते तुहाडे घर दे बाग च इन्ने फुल ना हुंदे। अम्मी फुल ते हर बात ने अम्मी, पर साडे जे खिड़े खिड़े फुल बहुत घट ने। झूठ, बिल्कुल झूठ। फुल ते सिर्फ मैं हां। क्यों अब्बा जी? बिल्कुल ठीक। और तू ते सिर्फ फुल चढ़ी है। बकवास ना करवे। ओ फुल चढ़ी ओ गुड्डो, एनु कुछ ना करी, ए गुलफाम दा लाड लै। जे ओदा लाड लै ते फेर ओ भी मेरा लाड लै। ये होई ते दुखी पूरे घर दा लाडला, पूरे घर दा बोझ चुकन ले दिन रात मजदूरी करता है। Thank you.
काजी की होया उस्ताजी ओ मिलते चाला के तेरा दिमाग चकरा गई ओ की उत्ता तकंडे ओ नहीं उस्ताजी अजीब अजीब जी आवाजा आ रही ने अजीब अजीब जी आवाजा आ रही ने ओ किसे चुड़ैल नु मिलन दा टाइम तो नहीं देता उस्ताजी आवाजा आ रही ने अच्छा पर बंदा नजर नहीं आ रहा आवाजा आउंदियां ने बंदा नजर नहीं आता मैं समझ गया एक जिस मखलूक दियां आवाजा सुनिया नहीं ओनू जरा नीवे होके वेखना पैंदा ही शहजादे नहीं नहीं और नीवा ते हो नहीं 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 मुड़ जा ओ उस्ताद जी किथे हो मैं ते थल्ले ही हां उत्ते थां नहीं ओ वेख उस्ताद जी मेरे उत्ते पार लो ए ओए इधर मरो ओए उस्ताद जी मैं ते बड़ा तंग हां एना कोलो एना कुछ लाश करो खुदा के वास्ते जे एना दा की करिए ए मुंह खोल इधर ए ए जोड़ी ते असी ईद ते कर लांगे ते ए सदके च देना पैणा ही ते ने एने गल्ला नहीं ओए ओए कीते ओए मेनू कनु आवाज दे रहे सो गुलफाम है साले के मशहूर गुलफाम दा आवे ओ तेरे मशहूर दी ओए मशहूर के गई आहो किथे ही ए रामंडी दे ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਅਕਲ ਘਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਆਖੇਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਰ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਆ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤੇ ਕੀ ਹਰਜੇਗਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਚੂਚਿਓ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਮਾ मेरी तीनू वेख के तुहाडियां अखां बंद होण लग पईआं ने ना माशाल्लाह क्यों शहजादे मैं गलत ते नहीं किया सी ना इस मशूक नू जड़ा एक बारी वेख लवे और डांग वाले हाथ हो जांदा डांग उतर जे माफ करना मैं गटर च उतर गया सा ओए कंजरो उस्ताद जी लगता कुड़ी का मामा आ गया फिक्र न कर शक्लों बेगैरती लगता आज का इंटरव्यू कर लीए ओए चीजा बंदर दो साल तो मफरूर है तन्नू मेरी शक्ल देख के गशी का दौरा क्यों नहीं पिया माफ करना भलवान जी जुस्से वालों सानू दल्ले जे लगे हो ओए नल्लू किले मारिया ओए मुछा ले कद्दू तन्नू मैं मारिया ओए तन्नू ते खुदा ने मारिया कद काश तो जरा नजायज फायदा ना खाओ जा जा क्या दस नान खा के सोजा जा ओए ओए मैं नान नहीं खाता तू तू भी खाना है ओए बकवास बंद कर मैं बंदे खाना ते कान खोल के सुन लो ओए तानू सारे ने मार के देश कंजरी नू चुप के ले जाना ओए मैं कौन हाँ ते मैं की हाँ ओए ते इंज लगता है जिन्हें बूली कुत्ता ट्रक थल्ले आ गया उठो उस्ताद जी है जीजा बांदर नहीं हूँ है जीजा पागल है हाँ मैं पागल हाँ मैं वाकई पागल हाँ ओए मैं पागल हो गया पागल हो गया पागल हो गया पागल हो गया पागल ओ लो जी असी ते अपनी जान ते खेड के तुहाडी इज्जत बचा ली है हुण तुसी मुजरा शुरू करा के मिलजुल के साडी दोवां दी जान कढ लो तुसी फिक्र ही ना करो मगर इस कोठे दी पिरौण की वेख के मेरा ते दिल परेशान जिहा हो गया है चलो उस्ताद जी कदी इत्थे जीजा बांदर आंदा है कदी जीजा कोला आंदा है
ऐस तो पहले कि कोई जीजा हाथी आ जाए। ऐसो चलिए। आज मैं मुजरे ना करन दी कसम खादी सी, पर तुसी आयो ते दिल कर दे अपनी कसम तोड़ दे।
जाने कि यह किन्ना अमीर है तेरे मुकाबले च असी किन्ने गरीब। शमा दिलों की आखे नहीं लगी था कभी कभी दिलों की मन के बंदा बड़े बड़े धोखे खा जाता है। बीबी साइया किते ते वधाइया किते पहले साढ़े नाल ते मुक आहो साढ़े सीने च भी दिल धड़कदा है। ओए तुसी दिल दी गल ना करो तुसी दसो के तुहाडे कोल कलेजी पोटा भी है ए ना होवे किसे दिन चुक्की लै जाइए। ओ सिद्धा के खलोए किते चुक्की ना पै जाऊ। मैनू तुसी सारे इस लई चंगे लगे हो कि तुसी मेरे कोठे ते मेरे खाबां दी तवीर लैके आए। की मतलब? चुप कराओ हुण असीं तैयारी करके आवांगे ते इस लटोली नूं चुक के लै जावांगे। असीं ते आप गुलफाम किसे कोठे ते उच्ची आवाज च नहीं बोली दा पुलिस पैरां थले मिद के मार दिंदी। चलो चलो आ जाओ ओए आ जाओ आंडे। मेरा रास्ता क्यों रोकी? रास्ता तेरा इसलिए रोकिया टाइगर तू साड़ी क्लब भी जाना बंद कर दिता सी। चला तेनों तो पता है कि मफरूरा नूं गिरफ्तार करना मेरा मिशन है। इहदे लई मैनूं हर रोज अपनी जिंदगी दांव ते लानी पैंदी है। तेनों मेरे कोलों कुछ नहीं मिलना इसलिए मेरे पिछे ना आया कर। मेरे क्लब विच बड़े मफरूर आंदे ने तू उत्थे जरूर आया कर। जिस दिन इतला मिलेगी तेनों बुलाना नहीं पवेगा मैं आप पहुंच जावांगा। रब राखा। रब करे टाइगर मेरे क्लब विच रोज मफरूर आन ताकि मैं तेरा दीदार ते कर सका। वेरी गुड मिस्टर टाइगर वेरी गुड। इन्हों मफरूरों नूं इत्थे वेख के मैनूं यकीन हो गया कि चंद दिनों के अंदर अंदर इस मुल्क के सारे मफरूर मेरी हवालात च बंद होने। जा ते कल आके अपना इनाम लै जाए। पैगाम अज पहुंचण दा भेजिया सी रकम भी अच्छी लैके जावांगा डिप्टी साहब। रकम ते इन्हां ने मंगा के रखी हुई टाइगर। यह कल तक सिर्फ फन्ना सोचना चाहते ने कि इस रकम विच साडा किन्ना कु हिस्सा होना चाहिए। मैं अपनी रकम टेढ़े चौबी कट लेना वा डिप्टी साहब। इनाम कितने वे? एल फड़ अपना इनाम ते जे अगों तो साडा हिस्सा नहीं होना ते मफरूर किसे होर थाने लै जाई। जे अज तो बाद तू रिश्वत खाण की आदत ना छड़ी ते कल मैं तेनू भी लै जावांगा। ओए इहदा पता करो इन्ने नोट रखदा किस बैंक च? हेलो आंटी इस रकम नाल मेरियां दो पैणां की रुखसती हो सकती है। दारू लबांग दिया यतीम ते लावारिस भैणा नाल तेरा इन्ना प्यार वेख के एक सवाल करने जी करता है आखिर वो किहड़ा जख्म है जिहदा मूंह सीण लई तू हर दूजे दिन मौत नाल मत्था ला के इनाम लैण लई मफरूरां नूं फड़ना है। मफरूर मारना मेरा शौक नहीं आंटी मेरी मजबूरी है। जो भी मैं किसी मफरूर का चेहरा देखना तो मैं इंज लगता है जिमें मेरी भैन दो बारी कतल हुई है। तेरी भैन? हां आंटी भैन जो
ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਜ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਗਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਏ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕੇ ਚ ਇੱਕ ਮਫਰੂਰ ਦੀ ਭੜਕ ਸੁਣੀ। ਜਾਓ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਕਿਸ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬੇਖੈਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੱਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਢ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਕੰਢ ਕੱਟੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰੋ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਲਖ ਸਾਫ ਕਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਬਾ ਜੰਜ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਉਹ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਸੁਬੈਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਦਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੇਵੀ ਨਾ ਰੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। Thank you.
जंज नूं जाम करन वाला कौन है? हाले होर की होना है ए सिर्फ असी जानने आ। इधर देख एवे साड़ी बां साड़ा यार शेरू मफरूर जिदा मुंह तेरे प्राने काला करके पिंडो बाहर कर दिता है। आज एक कालक साफ होएगी। शेरू इस पिंड अपना मुंह धोएगा ते तुहाडे सामने धोएगा। ना कोई नसे ना कोई आंख बंद करे जो कुछ देखो उन्हें याद भी रखो ते पैर दे प्राणू भी दसना। ऐसी होती पैंट का खत्म ही बदल देता है। जाओ शेरू सारे दे सामने ये नाल सुहाग दी रात नहीं सुहाग दा दिन बनाओ। मेरी भैन के बूहे से आके खलो गया
ਖਲੋਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਡੀ ਜੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰੋ ਪਏ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਏ ਤੇ ਰੁਖਸਤੀ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਕਰਮਾ ਮਾਰਿਆ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਮਾਸੀ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹਟੋ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਫਰੂਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਆਮਤ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾ ਨੱਸ ਜਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਚੰਜ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦਾਦ ਜੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਨੋ ਦੀ ਟੋਲੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਜ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਾਜ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਾਜ ਦਾਜ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਦਾਜ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਦਾਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਦਾਜ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੂੰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਹਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਸ਼ਰਮ ਫਰੂਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਤਮਾਂ ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਆਂਟੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਫਰੂਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੈਦ ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਆਂਟੀ ਮੇਰੀ ਬਦਬਖਤੀ ਤੇ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ ਟੋਲੀ ਤੋਰਦਾ ਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਟੋਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰ ਦੀ ਟੁੱਕਰ ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵਕਤ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਸਕਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਧੋਖਾ ਨੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਚਮੋਣੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਖੁਸਰਿਆ ਨੀ ਖੜਕਾਇਆ ਇਹ ਕੌਣ ਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਏ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਏ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪੱਕਾ ਪੀਟਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈਣ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਓ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾਇਆ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ ਅੱਜ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਸੋਨੀਏ। ਆਪੋ ਦੀਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਮੱਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ ਪੋਂਦ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਨੇਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਏ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੀ ਦੱਸੇ ਜੀ, ਕਲੇਜਾ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਕਸੂਰ ਖੋਤੇ ਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ? ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੁਆਨੀਆਂ ਤੇ ਅਠਿਆਨੀਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਚਲੋ। ਚਲੋ ਬੱਚੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਮੋਰੀ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਚਲੋ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਸਿਆਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਲਫਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾ, ਸੋਚ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਇਸਰਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਫਰੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੈਗਰ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਫਰਮਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇਰੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਸਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਦੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਰੂਦ ਤੇਰੀ ਖੋਪੜੀ ਚ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈ,
ਪਾਵਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈ ਪਾਤੀ ਨਾ ਸਮਝ ਉਹ ਸੀੜੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰੇ ਚ ਕਈ ਮਫਰੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਮਿਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ? ਅਗਰਵਾਲ ਉਹ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਅਗਰਵਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਮਿਸਰਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਲਏਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪ ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕਠਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪ ਲੱਭਦਾ। ਓਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਸਰਫ ਨਾਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਗੁਰਪਾਲ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਾ, ਗੁੱਡੂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮੋਨੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇਰਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅੱਬਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੰਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾਏ, ਉਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਧ ਆਏਗੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ।
ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਓਏ ਤੂੰ ਵਾਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੌਫ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈ ਨੇ ਕਮਾ ਚਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਖੌਫਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਵੇਖ ਲੈ ਰੱਜ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖ ਲੈ ਕਬਾਚਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਕਬਾਚਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਿਕਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਿਕਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਿਆ ਮਾਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰਜਨ ਤਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੁੱਢੋ ਕਮਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਲੜ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਡਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਦੋਗਲੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜੌਗਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਲਫਾਮ ਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੰਗਣੀ ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ੂਕ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਸ਼ੂਕ ਫਾਰਗ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪਰ ਅੱਬਾ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀਰਾ ਕੁੜੀ ਵੇਖੀਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕੁੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਪੋਪਟ ਹੈ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਬੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗੁਲਫਾਮ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਚੰਨ ਅਸਮਾਨੋਂ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਵੀਰਾ ਠੀਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਮਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੁਲਫਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਗੁਲਫਾਮ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਚੋਲੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਚਮਕ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਮਾਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੀ ਤੇ ਪਾਕ ਦਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੈਨ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬੁਰਿਆਂ ਧੱਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬੁਰੇ ਸਦਾ ਬੁਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪੁੱਤਰ ਚੋਰ ਉਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਨੇ ਹਿੱਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਟੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕੋਈ ਟੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂਗੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ
दुख भी तू दिते ने, ते इसलिए उदे दुख का दारू भी तू करेगा। आ मेरे नाल। अबा जी ए शमा कित्थे गई है? ओ बेचारी जित्थों आई सी अपना टुटा होया दिल लेके उत्थे वापस चली गई। तू ते मैनू इत्थों हमेशा जान की इजाजत दित्ती सी मां, पर उस बेकदरे ने मेरी कदर नहीं की थी। वो मैनू अपना प्यार ने सिर्फ एक तवाई समझदा तवाई। शमा बेटी, मैं ते तैनू समझाया सी कोठे ते आने वाले तमाशबीन ते आजाद पंछियों दे दिल कदी एक थां ते नहीं लगते, पर फिर भी जे तैनू अपने प्यार से इतबार है ते उहदा इंतजार कर, और जरूर आएगा। उन्हें नहीं आना, मां नहीं आना, वो झूठा बेवफा बेकदरा है, वो मेरे नाल प्यार नहीं करता, मेरे नाल प्यार नहीं करता। दिल से कर दे, मैं अपनी जान दे दे, मैं कदों रख लगी रामी, कदों रख लगी रामी, कदों रख लगी रामी। Thank you.
शरीफ तू हसीन बेहिसाब सोनी है हो जे हुस्न की किताबें किथों किथों पढ़ा तैनू किथों किथों पढ़ा तैनू सारी लाजवाब सोनी एहो जी उसन दी किताब आज तो एक कोठा बंद ही जे शमा नु अपनी इज्जत बनाना तेरी इज्जत है तो फिर सिरे बन के आवी ताकि इतों के रहने वालों पता लगे कि कोठिया तो सिर्फ जनाजे ही नहीं टोलियां भी उठदियां ने। ठीक है माँ जी, मैं थोड़ी आस जरूर पूरी करांगा। मैं इतने सिरे बन के आवांगा तो शमानू डोली च बिठा के ले जावांगा, डोली च बिठा के ले जावांगा माँ जी, डोली च बिठा के ले जाऊंगा मैं। जी किन्नू बोलना तुसी? अंती डोलिए पा के कुड़ियां व्याई जा रही ते मैं इन्हां लई गड्डी लेके आया वा। कौन है तू ते कित्थों आया ते किदी गड्डी लेके आया? मैं तेरी गल दा मतलब नहीं समझी। अंती सीधा साधा बंदा वा ते सीधी गल करांगा। मेरी गल दा मतलब है वे तेरे को लावारस कुड़ियां ने ते मैं मुंह मथे लगण वालियां कुड़ियां नू लखपति कर देंगा। तेरे गे तेरी गलंटी ते तेरे लिए मेरे सामने गड्डी दी है चाबी पेटी। तो जा जाके साहब नू दस दे के यतीम से लावारस बच्चियां दी पनाह गा कोई कोई बुराई दादा नहीं। इस चपेट के बदले कुड़िया समेत तू भी चुकी जाएंगी। बेगैरत तेरी इन्नी चुरत तेरी कट पीछे खलोते शैतान दा ना की है बाल अग्रवाल। अग्रवाल साहब बड़े दिन बाद आयो। सर सर मैं तो कई बारी हाजिर होया हूं। कस्टम वाले सिफारिश बंदे थे नहीं पर असी तेरी फिर भी तरक्की करा दी है। ओदा ही शुक्रिया अदा करना है सर। इंस्पेक्टर बशीर असी तेनु एक ऑर्डर दिता सी। सर ताड़ी जबान जो निकलिया हर हुक्म इंस्पेक्टर बशीर पूरा ना करे ए किवें हो सकता है?
ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਫਰੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਸਰਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੈਸ ਪਲਾਨ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਫਲਿਚ ਇਸ ਮਫਰੂਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾ ਜਿੱਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਕੜੀ ਪਾ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਅਗਰਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਿਸਰਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਫਰੂਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਤੱਲਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰਾ ਮਫਰੂਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਫਰੂਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਨ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਜੇ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਤੌਬਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਾਈਗਰ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਚਲ ਇੰਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਅਗਰਵਾਲ ਖੌਫਨਾਕ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੁਜਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੀ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੌਕੀ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਲੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਾਰਜ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਟਾਈਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮਫਰੂਰਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਦੱਸ ਮਫਰੂਰਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਗੀਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਗਰਵਾਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝ ਟਾਈਗਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਟਾਈਗਰ ਹੈ
जे हुण भी जेल च रहे ते जेल दिया कंधा नाल टकरा मार मार के मर जावांगे। समंदर खान ते फिर जेल अज टुटेगी। सर सर समुंदर खान कालिया ते ओदे साथी जेल तोड़ के फरार हो गए ने। ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਗਵਾਚਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਵਾਚਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈ ਗਵਾਚਾ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਓਏ ਬਦਬਖਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਕਬਾਚਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਤਮਕ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਿਰਫ ਬੁਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬਾਚਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਬਤਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਬਿਆ ਸਭ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪੂਛਲ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਕੁੜੀਏ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਅਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਾਚਾ ਜੰਮ ਪਵੇਗਾ। ਅਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੀ ਕਬਾਚਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਦੱਸੋ ਕਿਆਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬਾਚਾ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਚਾਚਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ
तू बिना इजाजत दारुलमान के अंदर क्यों आया? तेरी गिरफ्तारी वास्ते ऐसे ही कि तू लावारिस ते यतीम पुरिया कलो पैसा करवानी है। शट अप, एक ही बकवास कर रहे। अंती जी, तादे बारे ते चंगी रिपोर्ट मैं लिखवाई है। सलील बेगैरत इंसान, शायद तो ये नहीं जानता तेरी ये बदफितरती मेरे टाइगर के हाथों तेरी आने वाली मौत को कितना कुछ नेड़े ले आएगी। टाइगर ते खबरें ना पहुंचे पर कानून तेरे सिर पे पहुंच गया बुढ़िए। हुन मैं तेनू एहो जिहा कानूनी शिकंजा पावांगा जेड़ा तेनू कबर ते हनेरिया तक याद रहेगा। इंस्पेक्टर, याद रख जेड़ी अग नू तू फूक मारी है जो बल पई ते सिर्फ तेरा थाना नहीं है शहर दा हर थाना सड़ के सुआ हो जाएगा। आप तबे बुढ़िए, तू सिर्फ इना याद रख कि मैं तेनू इना बदनाम ते बेइज्जत करूंगा कि तू इस शहर च मुंह लुकांदी मर जाएगी। पर मेरा ईमान है तेरे जे जमीर परोश ते बेगैरत इंसान की बद जबानी ना मेरी सच्चाई से कोई हर्फ नहीं आ सकता। इस मूंह चोर बुटी नू कुड़िया समेत कुत्तों फर के कठीर दे होए थाने ले चलो। पहली बारी कानून नू एक तल्ले नाल वेख्या जे तल्ला ने रहन दिता ते हो जा कानून भी नहीं रहन देंगा। वाले भी आने वाले ने रोटी भी पक गई है बस तुसी देखना तुसी सारिया आ देखो मेरी दीदी जान जा गई है मेरी दीदी जान जा गई जान जा गई। मेरी दीदी जान जा गई है तू देखिए मेरी दीदी जान नहीं आई मेरी दीदी जंज गुट मैं गाना समझ के अपने गुट नाल बांध के रखांगा पुत्र आवे ते उन्हें दस देने फिर वो तेरी बेइज्जती ते साढ़े खौफ नाल खुदकुशी कर लवेगा। Thank you.
जानता सी कि कालिया ते समुंदर खान बाहर आ गए ते बड़े बड़े बुर्ज उलट जान गए। टाइगर दी मां गलियां चुत कटवा के फिर रही है ते टाइगर हाले तक समुंदर खान ते सामने नहीं आया। मच्छी मगर मच्छ ते सामने किमें आ सकती है। समुंदर खान ने तुहानू पैगाम भेजे है अपने दुश्मनों की लिस्ट भेज दियो। दुश्मन साडा इक्को ही सी ओ दस दिता है ओदे इस पैगाम दे बदले साडे बलो पजारो दी चाबी उनू दे दियो। अग्रवाल साहब उस डिप्टी नू की देना है जेड़ा ताडे लई हथकड़ी वरण समेत लैके आया है। की पकड़े हथकड़ी ते वरण क्यों भी मेरे लई इलाके दा डिप्टी लैके आया है कौन है ओ बदबख्त। कलाशन को एक हथकड़ी हथ कुछ फुल मोड़िया ते आ जान ते अफसर अग्रवाल नू अखां दिखा सकता है। ए वर्दी अग्रवाल दे अफसर दी जरूर है पर इस वर्दी च वजूद टाइगर दा है। होर तू कतल होण दियां सारिया शर्तां पूरियां कर दित्तियां ने टाइगर तैनू गोली मार दिया है। जिंदा रहना चाहे हथकड़ी अपने हाथ च पा के रखी जिस दिन हथकड़ी उतर गई उस दिन तेरे हाथ बढ़ देंगा। अग्रवाल साहब ये सब किने कीता है? एक कोई बंदा है टाइगर जिनने पहले भी तेरी अंति गारत मार दीती थी ते आज मेरे अंते मफरूर ही मुका देते ने। लगता है तेरे जय पुत्र थम लुटा के अग्रवाल साहब शायद तानू नहीं पता कि दारुल अमान के छापे तो बाद मैंने तो तानू किन्ना बदनाम कर दिता गया है। अग्रवाल साहब ऐ मेरी वफादारी की इंतहा है कि मैं हुन तक परचे ताड़ा ना नहीं आन दिता पर जे अखबार वाले ऐसी तरह मेरे पीछे हाथ धो के पै रहे तो एक दिन मैं फाई लग जाऊंगा तो आवाम तानू कतल कर देंगे। तू क्या इतों चला जा इंस्पेक्टर क्या अग्रवाल है सवाम तो बहुत उच्चा है। अग्रवाल साहब फिर अपने मफरूर मैनू दे दियो ताकि मैं अखबार वाले दे मुंह बंद कर सका। मेरा सारे नाल वादा है कि इन्हें थाने पहुंचाने की बजाय इन्हें अड्डिया से पहुंचा देंगा। ऐदे विच मेरे नाल नाल ताड़ी माफी भी होगी। ठीक है
اخبار والے بلا لے. السلام علیکم سر. اے مفرور تاڑی کوٹی چو پڑے گئے. ہاں اے سانو بلیک میل کرنا سن پر انسپیکٹر جتلی تے رکھ کے پہنچے ہیں. دو گھنٹے دا سخت پولیس مقابلہ ہویا ہے. سات قتل ہو گئے نے تے چار تاڑے سامنے کھلوتے نے. ہن تے تانو یقین ہو جانا چاہیے کہ دارالعمان تے میرا چھاپا کوڑیاں لینی سی ਇਹਨਾਂ ਮਫਰੂਰਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਸ਼ੀਰ. ਯੈਸ ਸਰ. ਲੈ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਮਫਰੂਰਾਂ ਨੂੰ. ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਨੈਪ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਮੀ. ناکہ کنے لائے جنہ تینو ناک ناک لے آنا ہے. کونے دوں ازل تو ہر ظالم دے سامنے آن والے دا ایک کوئی نہ رہا ہے. انتقام اپنی خیر چانا ہے تیہ تو نسا. میں تیری کنڈ پچھے لکوے مفرورا دی موتا. موت موت تے اسی تیری بنا گے بچو. فار کچھ کچھ ہو گئے پتہ نہیں کون انہوں مفرورانو قتل کر گئے تاڑی پجاروں لے کے نس گیا. Thank you.
अपने नाल बिठा ले मुंडिया नवी बचारो वालिया, अपने नाल बिठा ले, अपने नाल बिठा ले मुंडिया नवी बचारो वालिया, अपने नाल बिठा ले, देवे लिप जमेनू, देवे लिप जमेनू, इन्ना प्यार दियांगी ते थो जाना रे जमाने आवे नवी बचारो, नवी बचारो, नवी बचारो वालिया गई, पर तेरे मथे तू वट नहीं गए की गल है? तिजारो च पहले दफा बैठे टिके रुख से कोई पछी आला नहीं बनाता शमा, मैं भूल जा शमा नु अपने तू वक करन दा कह रहे गुलफाम, तेरे किवें समझा शमा, मेरे तेरे कोठे ते आना एक हादसा, तेरी मेरी मुलाकात एक हादसा, मेरा उसे दलेर होना एक हादसा, तेरा दिल देना एक हादसा, इन्हों सारे हादसों अपनी जिंदगी का एक सुहाना खाब समझ के भूल जा, भूल जा शमा, मेरा तेरे घर जाना भी हादसा, तेरी मां ते तेरी भैन का मैं कबूल करना भी हादसा, सानू मौत दे मुंह चू कढ़ के जिंदगी का नवा रस्ता बखाना भी हादसा, किस किस सच नू सूली ते टंग के मर जावा गुलफाम, जिथे मेरे सारे मर गए ने उथे तू भी मर जा शमा, तेनू कबूल करन वाले कबरां च जा डिगे ने, ते मैं हुण सिर्फ उन्हां दे कातलां दी इमानत हां, मेरे पिछे भी कबरां ते मेरे अगे भी कबरां, ओहो भाई तुम मजीद जो कुछ मेरे को पूछना चाहते हो पूछ लो, मेरे को टाइम नहीं है। सर आखिरी सवाल जी पूछो,
थाने पहुंचने तक तुहाडे हाथ विच तीन मफरूर सन, तीनों ही मर गए। आखिर क्यों? एदा कोई जवाब है तुहाडे कोल? ओ यार, हुण मैं तुहानूं किस तरह समझावां कि वो तीनों मफरूर नसल चाहते सन। मजबूर उन्होंने गोली मारनी पै गई। शायद तुहाडे इलम च नहीं कि दारुल अमान दी मैडम तुहाडे खिलाफ गवर्नर साहब दे कोल पेश हो गई है। ते तुसी भी जाके गवर्नर साहब दे पेश होवो। मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो जी? मैं खुद बड़े साहब कोल पेश होने जा रहा। यार हुण की बनेगा? ओ भाई, तुसी भी जाओ, असी हुण थाना बंद करना है। मैं फोन करो, मैडम ने साडा बेड़ा गर्क कर दिता है। तुम किनी बारी कह दी सर कि दारुल अमान नूं हाथ ना पाना, जे फस गए ते जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। अग्रवाला घर बैठा ऐश कर रहा ते मिश्रा मुद्रा सुन रहा ते असी मौत बूझ भाग गए सर। तू मौत के सामने नहीं, मौत के मुंह खलोता है बेगैरत। तेरे नाल दे गद्दार दा मैं की हाल कीता है? उधर देख। जे गौर नाल सोचे ते लाश कानून दी नहीं, कौम दे जमीर सी है। जिस कौम दे पैरे तार खत्तार हो जान, उस कौम च इंसाफ ते सच्चाई दी मौत हो जांदी है। ते मैं अपनी कौम नाल कदी नहीं आ जांगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ भलवान जी, की खिदमत करा? भाई असी तेरे कोठे ते अपना दिल खुश करन आया, कोई रौनक मेला ते ला। बुरा ना भलवान जी, मेरी धी ने अज मुझे ना छुट्टी की थी। माई जा जा के अपनी धी नु कहो ओदा मुजरा वेखण। ओ मफरूर आए ने जिन्ना दे इशारे ते मौत नचदी है। जाके भी दसते जे उन्हें मुजरा करन ते इनकार किया असी इस कोठे नूं इहोजिहा वीरान करांगे कि इहदा निशान कयामत तक नजर नहीं आवेगा। मैं हुणे गुलफाम नूं बुलाउण दा बंदोबस्त करनी आ। मिश्रा मफरूर ते उहदे साथी मेरा रक्स मुजरा समझ के वेखणगे ते मैं उहनां दी मौत दा इंतजार समझ के नच्चा। ओ तेरी
राता ना पुछ समझ ले आन वालिया राता मिश्रा तेरे नाल गुजारेगा तेरिया राता ते हुन कबर दे हनेरे अंची गुजरेंगिया तेनू मौत देन वाला तेरे सिर ते पहुंचन वाले मफरूर ते अपनी मौत नू गोदी चुके कर देने कंजरिए जिदा तू इंतजार कर रही है और ते साड़ी दहशत नाली मर क्यों ना लै चलो इनू अकड़ी लाके अगे तुर पवो नहीं ते इको साज तोड़ी जिंदगी दा नाता तोड़े नलो तोड़ दिया आए जे तू कानून दा रिश्तेदार बन के आ गया है ते फिर याद रख मैं गिरफ्तारी नहीं हो देनी आए
कहने मफरूर? तेरे आन तो पहले एक मौदक रिश्ता आया सी, ते दो मफरूरों ने तेर कर गया, ते एक अपनी जान बचा के नस गया, ते ओदे पिछे गया। अपने सामने आने वाली हर शह बर्बाद करके लंग जाएगा। टाइगर, मैं गोली चलाने से मजबूर न कर। गोली चलाने से पहले याद रखी सकर कि मेरा निशाना भी तेरी हिक वाले। हूं अपने अमले को कहो इंस्पेक्टर कि असला सुर दें। तू चल के मेरे वाला हूं तू तो जान वाली गल कर दोस्ता। मेरी बंदूक की नाली उदों तक करी संगीत रहेगी जब तक तू इतों दूर निकल जाता। नहीं, मैं अपने मौसम नू मौत के मुंह चट के किवें जा सकना वा। तो फिर ठीक है, सानू लाका गैर दी हद तक। इंस्पेक्टर साहब आप छड़ के आएंगे। चलो इंस्पेक्टर साहब। जिसम च निकले खून नाल इना पहाड़ा दे पत्थरा दे मुंह रंगे जाते, पर तुहानू हले तक इसलिए कुछ नहीं किया कि तुहाडा हुलिया है दस रहा है कि तुसी भी सदे वांगू कानून सिकानो। समंदर खान, यह भी तो हो सकता है कि दोवें ही कानून शिकन नहीं कानून दे मुखबिर हों। असे कानून दे मुखबर नहीं मफरूर हां। ते फिर आओ साडे सीने ना लग के साडे वंगो सिर तली ते रख के मफरूरी कटो। सिर ते तली ते उदो ही रख लेता सी जदो कुछ बेखैर तुने मेरे पिंड चाके मेरी मां दे सिर नाल कुतला दित्ती सी। Ha 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 ha
मेरा तारुफ भी सुन ले। मैं उन दुश्मन की मौत नू मोड़ियां ने चुकी फिरना जिन्होंने हासिल पूरे च मेरा पूरा खानदान मार दिता सी। असी ते अपने दुश्मनों पा लिया। रब मेहरबान होवे ना समंदर खान, जिन्होंने मिलने जी तड़फ रहा हो वो आप सामने आ जाते ने। कौन हो तुसी? इन्हों का तारफ तेन मैं करवाना वा टाइगर। बड़े बेरहम से संग दिल लोग ने टाइगर, इना बड़ी बेदर्दी नाल तेरे प्यू तेरे भरा नू तेरी भैन दे विआह वाले दिन गोली मार दी। ते मैं वो मजलूम इंसान जिन्हें तेरी भैन की इज्जत लुटन की कोशिश की, पर वो बड़ी गैरतमंद सी, उन्हें कोठे तू छाल मार के अपनी जान दे दी। चंगा किया जे अपनी शनाख्त करा के मेरा सफर मुका दिता जे, हूं मैं अपने मर वालिया दे सादा ताजे को हिसाब लेना दे घर तो। समंदर खान नहीं 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 नहीं, इना दी वजह नाल जिना असी परेशान हुए हैं मौत भी इना नोनी मुश्किल देंगे। ठीक है, इना नो गोलियां नाल बंद के कसीर दे होया अग्रवाल तक ले चलो, जे बच गए ते इना दे आखरी सावा दा फैसला भी अग्रवाल ही करेगा, ते मैं अपने खिलाफ बोलने वाली टाइगर की मां की आखिरी आवाज बंद करके आना वा। दस दिता होगा पुत्र कि तेरी मां आखिरी दम तक तीन डोली च पाने का कितना शौक सी। यह बर्बादी लियान वाले उही बगैर सन जिन्होंने तेरी भैन की जंज बर्बाद की थी।
मैंने कसम है तेरी बेबसी दी मां कयामत तक देखते रहेंगे। टाइगर दी मां नु नहीं, टाइगर नु मरना चाहिदा सी शेरू। फिर भी तू घबरा ना, टाइगर तेरे पीछे ते आया ते जिंदा वापस नहीं जाएगा। मनु यकीन है अग्रवाल, टाइगर अपनी मां दी लाश तो दी कटी गुत वेख के या तो बुजदिल हो जाएगा या फिर खुदकुशी करने ते मजबूर हो जाएगा। मैनू माफ कर दे टाइगर, माफी जाके सोने रब को मंगी होए। मैं ते सिर्फ तेनू तेरे जुलम की सजा देनी है। हथकड़ी दे के जान वाले हथकड़ी लुआ दी एसपी साहब, हुण उन्हें थाने ले जाने की बजाय बंद रोड से ले जाके गोली मार के पुलिस मुकाबला बना दो। खड़ा कहता सी इन्ना हथाई हथकड़ी ना पुआई ते हथ मेरे वजूद तो अलहदा हो जाएंगे। यार ने कह दिता असी मर लिता, तेनू जिंदा इसलिए छड़ रहा कि तेरे एक पांव वेख के टाइगर यकीन आ जाए कि असी दोस्ती की लाश रख लीए। सारे इलाके की नाकाबंदी हो चुकी है, जिस जगह से इन्हें गोली मारनी है उस जगह का इंतखाब भी हो चुका है, सिर्फ तुहाडे आर्डर की देर है। सर एसपी साहब आ रहे ने। आईजी साहब ने एक सवाल का जवाब मंगया है। ओकी सर, उन्होंने क्या है कि इस शख्स ने 107 कत्ल किए ने, उन्होंने हर शख्स वाजिबुल कत्ल से
फिर इन्हें गोली का ऑर्डर क्यों दिता गया है? सर सर बड़े खतरनाक शख्स है, इसलिए तेन अदालत ले जाने के बजाय इतने पुलिस मुकाबला पा लगे हैं। इन्हू लगन वाली गोली का मुल अग्रवाल ने 10 लाख रुपया पाया सर, तो ये मरण के बाद मिलेगा। टाइगर ने बहुत सस्ता बेचा डिप्टी, ऐसा मुल हूं मैं पावांगा। की मतलब सर? ऐ मेरे नहीं, आईजी साहब के ऑर्डर ने। उन्होंने क्या है कि इस शख्स को शहर के हर बाजारे चो कसीट के उन्होंने तक पहुंचाया जाए। तो ठीक है सर, पर अगर वाला कैश याद रखना। मैं यकीन है कि आईजी साहब टाइगर नू अपने हथी सजा देंगे। यकीनन सर। टाइगर नू कैसे अफसर तोड़ दिते मिस्टर खान? सर आईजी साहब का ऑर्डर आया सी। व्हाट आर यू टॉकिंग मिस्टर खान? आईजी साहब तो सुबह की फ्लाइट से इस्लामाबाद जा चुके हैं। माय गॉड, इसका मतलब है कि वो टाइगर का साथी सी? जे तू मैनू ना बचांदा ते मैं क्यामत वाले दिन मां नू मुंह नहीं सी विखा सकना। तू मेरे ते एडा वड्डा एहसान कीता है कि मैं अपना सिर दे के भी नहीं ला सकता। मैं तेरे ते कोई एहसान नहीं कीता दोस्ता, अन्य ते विकरे कानून ने जिहड़े सच्चाई नू संगल मारे सन, मैं ओह तोड़े ने। फिर टाइगर दा तेरे नाल वादा है, रब ना करे तू किसे पीड़ च फसे, मैनू आवाज रोड़ मार लवी ते टाइगर तेरे दुश्मन के सिरों से अजाब बन के पहुंच जाएगा। रब रखा। मैं अपने दुश्मन अपने हथी मारांगा दोस्ता, तू सिर्फ इन्नी दुआ करी कि मेरे मारन तो पहला उन्होंने मौत ना आ जाए। कल दा छोका मेरे घर आके मेरी बाल आ गया। टाइगर की बंदूक चो निकलने वाला बारूद मेरे कई बंदे खा गया। जिस अग्रवाल के ना तो पूरे इलाके के बंदे खौफ खाते सन, उन्हें तेरे मोड़े ते रख के चलाई तो उसकी बाबा की छुट्टी गई। नहीं अग्रवाल, नहीं, ये तकदीर ने कुछ दिन लई उन्हें मरण जोगिया का साथ दे दिता है ते अपने दोस्तों इना पुस्तिल ते गाफिल न समझ। अग्रवाल तेरी बाल आण आला ते तेरे कारे च अपने कद उच्चा बोलन वाला टाइगर जे तेरे पैरां ई डिग के अपनी जिंदगी दी भीख न मंगे ते सानू अपना यार कहना छड़ दे। दुश्मन की बर्बादी की इब्तिदा अज ही शुरू होवेगी अग्रवाल। टाइगर ते कबाचा दे पुत्र नू बेबस करके अपने इस कतलगाह च ले आण लई दारुल अमान दियां कुड़ियां ते उन्हां दोवां दियां माशूकां नू चुक के लियाना पवेगा। लगता है तेनू ते सारी दहशत ने सत्ता कर दिता है या फिर तेरे जीन की ख्वाहिश नहीं रही। मैंने तो यकीन है पौकड़ वाले कुत्ते पढ़न की हिम्मत नहीं होती। जिड़ी फूक मार दिया तिरक जाए ओ समंदर खान ते कालिए कुत्ता कह रही है। कुत्ता कालिया, मैनू लगता है एनू किसे नजूमी ने यकीन दवा दिता है कि टाइगर नाल ताल्लुक रखन वालियां नू गोली नहीं लग सकती है।
जे तेन यकीन नहीं आता तो फिर गोली चला के वेख ले। इसका मतलब है तेरे ते वार होवे ते टाइगर पहुंच जाता है। पहुंच भी जाएगा ते तनु अगले जहां तक पहुंचा भी देगा। फिर इस जहां विच ओदे ले कयामत का एहो जिया नक्शा छट के जावांगे कि ओ कबर विच कयामत तक याद रखेगा। इब्तिदा तेनु कंजे बड़ा तुक करांगे। तजरा शुरू कर दे नहीं से बेआबरू कर देंगे। सानू पे मौत मरण पे ऑर्डर मिल गए ने टाइगर। आके साबित कर दे कि जड़ा तेरे नामे लग जावे ओदे तक ते मौत भी सोच के पहुंच दिए। आ जा टाइगर आ जा। देख ले तेरा इंतजार मुका देता है। तेरे दिल की आवाज क्यों चुप है? बोल की कहना चाहनी है?
सानू पता है तेनु हर पासे तेरा यार नजर आ रहा थी। तू नच नच के अपने पैर सुजा लेते ने, पर वो कम बख्त तेरा यार हले तक नहीं पहुंचे। समंदर खान इनू सेठ अग्रवाल की छत तले ले चलने आ। एदा रखवाला अगर गैरत हुई ते आपे दे पीछे उठे आ जाएगा। ठीक है बीबी, हूं तू आप जाएगी या तेनू चुकना पाएगा? बकवास कर दे। बकवास नहीं, मैं अमल करना वा। आंटी आंटी छेती दसो, आंटी इस रूम किने किता है? नहीं तो मैं सारे शहर में तोड़ा कातल समझ के मार देना। आंटी ते क्या मुझ समंदर खान ते कालिये में मैं दिए आंटी कमाल है ना, तुहाडे चेहरिया ते परेशानी ना खौफ ना साडे कोलो इज्जत बचा लई रोना पिटना। ओए किधरे साडे नाल लैण दा फैसला ते नहीं कर लिया? असी अपना फैसला खुदा दे सपुर्द कर दिता समंदर खान, ते सानू यकीन है जदों जुल्म हद तो वध जाए ते फिर वो मिट जांदा है। तुदी थोड़ी जी लस्सी पाओ वो भी ते फिट जाता है, फिर भी मैं तैयार हाँ मरण लई भी ते मिटन लई भी, पर सिर्फ तेरे थे समंदर खान। एक खुशखबरी भी इन्हों सुना दे कि अज एक नू दो दो घर वाले मिलेंगे। तोते भी उन्होंने चार चार होंगे कालिया, जे वक्त की गर्दिश ने कुछ देर ली बाजी तुहाडे हाथी दे दितीए ते ओदे ते ना खुश ना होवो, समझ लवो कि मौत ने तुहाडे वल वधना शुरू कर दिता है। ओ छड्डा नहीं कालिया नहीं, ऐ विचारी ते पहले ही साडी दहशत दे पिंजरे च बंद ने, इन्हां नूं इन्ना हक दे दे यार कि अपनी दिल की पड़ास ते कट सकन। समुंदर खान तू ऐ दावा किया के दारुलमान दी है कुड़ियां ते उन्ना दोवां दी है माशूकां साडे कब्जे च आ जाणगियां ते उन्ना दी मर्दानगी फुजदरी बदल के साडे पैरां च आ टिकेगी, पर ऐ सब कुछ ते नहीं होया। ए होएगा अग्रवाल जी, पर मैनू ते इंज लगदा है जिवें या ते दोवें ते गैरत हो गए ने, या फिर उन्होंने बेइज्जती दे डर तों खुदकुशी कर लई है। मेरी शैतानी खोपड़ी दे फैक्ट्री एक जबरदस्त किस्म दा प्लान है। ओ की? ओ ए कि टाइगर ते कबाशा दे पुत्र नू इस मक्तलगाह च बुलाउण दा सिर्फ इक्को ही हल है। के उन्हां दे कुछ लगदियां नू बर्बाद कर दे, फरियाद बन के जदों इन्हां दी आवाज इन्हां पहाड़ां च गूंजी ते उन्हां दे कन्नां तक जरूर अपड़ेगी। देर का
तो सारी ये जंगल पार करके शहर वाल टूट जाओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। थोड़ी दी रंग जिन्हें लुटी दी पतंग मेरा प्यासा ये प्यार